ग्वालियर जिले में शातिर ठगों ने एक महिला को नकली नोटों के गड्ढे दिखाकर उसके सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं, जिसके चलते महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि महाराजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला नेहा शर्मा ललितपुर कॉलोनी स्थित अपने रिश्तेदार के यहाँ पहुंची थी। तभी लौटते समय उसे दो अज्ञात लोग मिले और महिला को लेकर नकली नोट दिखाकर उसके जेवरात उतरवा लिए। आरोपियों द्वारा की गई करतूत यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। घटना का एहसास होने पर पीड़ित महिला सीधे कंपू थाना पहुंची और पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक जादौन का कहना है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान का प्रयास कर रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कंपू थाना अंतर्गत एक महिला के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। महिला महाराजपुरा से ललितपुर कॉलोनी ऑटो से आई थी और उसको कुछ दो लोगों ने मिल करके कुछ नोटों की गड्डियां दिखा करके उसके जो आभूषण थे जो उसने अपने शरीर पर पहने हुए थे उनको धोखाधड़ी करके अदला बदली कर ली, जिसके थाना कंपू अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त कर जाँच की जा रही है। आरोपियों को जल्दी ही इसमें शिनाख्त किया जाएगा।